दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जीमेल को ऑफलाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि हमारा जो जीमेल होता है वो एक्सेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, या फिर कभी कभी वहां पे कवरेज नहीं होता नेटवर्क का, तो इंटरनेट वहां पे नहीं चलता। लेकिन हमारा काम अर्जेंट होने की वजह से हमें जीमेल एक्सेस करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे हम ऑफलाइन जीमेल को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप या तो किसी ट्रेन में हो या फिर कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, जैसे कि प्लेन में हो, तो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई वर्क करना है किसी मेल पे जो ऑलरेडी आपको आया हुआ है, तो उस चीज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो ये जो ट्रिक है बेसिकली ये एक कंप्यूटर के लिए है, यानी कि आप पीसी पे इस ट्रिक को लगा सकते हैं। और इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि ये फायरफॉक्स, यानी कि जो फायरफॉक्स मोजिला है, फिर ओपेरा है, सफारी है, इन पे ये वर्क नहीं करता। ये एक्सटेंशन सिर्फ ये गूगल के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है, जो मैं आपको अभी टूल बताने वाला हूँ, और ये सिर्फ क्रोम के ब्राउजर पे ही रन होएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास गूगल क्रोम का ब्राउजर होना चाहिए, उस पे आप ऑफलाइन जीमेल को यूज कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस चीज को। क्रोम का जो स्टोर होता है, यानी कि जहाँ पे एक्सटेंशन का स्टोर होता है, वहां पे आपको आना होगा। तो एक्सटेंशन पर सिंपल आपको आने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट में ये टॉप कॉर्नर पे ये जो एप्स का यहाँ पे शो एप ये करके एक बटन बना हुआ है, टैब है एक, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। वेब स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वेब स्टोर के अंदर आप आ गए। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जीमेल ऑफलाइन, फिर हम एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन एक्सटेंशन अभी आए हुए हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये डेवलपर यहाँ पे जो है ये अलग अलग साइटों से है, तो हमें इन पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ गूगल वाला ही अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि होगा अफर्ड बाय गूगल करके, google.com, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप उसी को इंस्टॉल करें, क्योंकि आपकी जो जीमेल है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल भी हो सकते हैं, आपके कार्ड्स के डिटेल या फिर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको हम रिवेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो डेवलपर का, यानी कि जो डेवलप किया हुआ एक्सटेंशन होगा वो जो गूगल का होगा, उसी को आप क्रोम के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस पर क्लिक करके ये क्रोम एक्सटेंशन जो जीमेल का ऑफलाइन वाला है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे आप उस लिंक पे नेविगेट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ऑफर्ड बाय mail.google.com, यानी कि ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये एक ट्रस्ट वर्दी भी है, यानी कि इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये गूगल का ही है और जो जीमेल भी है वो गूगल का ही है, तो ये एक सिक्योर वाली बात होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐड टू क्रोम का बटन आया होगा। अभी जैसे कि मैंने ये एक्सटेंशन अपने क्रोम के अंदर इंसर्ट कर लिया हूँ, इसके लिए यहाँ पे ये वो ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये परमिशन मांगेगा कि आप अलाउ करें इस चीज को कि आप ऑफलाइन जीमेल यूज करना चाहते हैं, इस एक्सटेंशन को आप अलाउ करें। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है अलाउ ऑफलाइन मेल, उसके बाद से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक क्लासिक लुक तो आएगा इसका, इस जीमेल का, लेकिन आप जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं इसके अंदर, जो भी मेल आपको आई हुई पड़ी है, अब आप इसको बिना किसी इंटरनेट के भी देख सकते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट से अगर डिसकनेक्शन है फिर भी आप ये सारे मेल को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीमेल ऑफलाइन अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं और इसको कहीं भी कैसे भी एक्सेस करते हुए अपने वर्क को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी उस टाइम तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी और भी डाउट होते हैं या फिर कोई सजेशन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।